विश्व की नंबर वन टू व्हीलर कंपनी हीरो के अधिकृत डीलर ठक्कर हीरो आपके लिए लेकर आए हैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फाइनेंस मात्र 5,999 के साथ। आधार कार्ड लावे और अपनी मनपसंद की हीरो की बाइक ले जावे। अब हीरो के वाहन में पेट्रोल चोरी नहीं होगा और 2 लीटर पेट्रोल रखना भी अनिवार्य नहीं है एवं पहले से 6% अधिक माइलेज मिलेगी। एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। हमारा पता है ठक्कर हीरो इंदौर रोड खंडवा, हमारी शाखा माता चौक आनंद नगर में भी है। तो अभी संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर है 9425928519 व 9575060232 व 6263311424। पदम नगर थाना अंतर्गत इंदौर नगर क्षेत्र में मकान का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर ने घर की अलमारी में रखे 2,00,000 रुपए नकदी चुरा लिए। चोर ने इस घटना को जब अंजाम दिया जब घर के लोग शहर से बाहर गए हुए थे। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए टीम गठित कर अपने मुखबिर तंत्रों को सक्रिय किया। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर की सूचना पर चोर को गिरफ्तार कर नकदी रुपए और मोबाइल जब्त किया गया है। सीएसपी ललित गठरे ने बताया कि घटना 24 जनवरी की है। फरियादिया कमलाबाई पति कोमल सिंह पाल उम्र 60 साल निवासी इंडस्ट्रियल एरिया गोल्डन कारखाने के पीछे इंदौर नाका खंडवा ने थाने पर रिपोर्ट की थी। मैं 24 जनवरी को घर पर ताला लगाकर मेरी लड़की के घर महू चली गई थी। मैं 3 फरवरी की रात करीब 10 बजे वापस आई तब देखा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर का ताला तोड़कर अंदर घुसकर घर में रखी अलमारी को तोड़कर अलमारी की ड्रॉच से 2,00,000 रुपए नकदी चोरी कर ले गया है। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना पदम नगर में धारा 457 380 भादवी का कायमगर विवेचना में लिया गया, जहां मुखबिर सूचना के आधार पर तथा घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की सहायता से अज्ञात आरोपी का नाम पते में लाकर आरोपी महेश उर्फ बाबू पिता गामा यादव उम्र 45 वर्ष निवासी संतोषी माता वार्ड खंडवा को 13 फरवरी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए नकदी 1,27,300 रुपए नकदी तथा चुराए रुपये से खरीदा गया हुआ मोबाइल हैंडसेट कीमत 12,500 रुपए जब्त किए गए। ये दिनांक 3 फरवरी को जो खंडवा जिले का थाना पदम नगर है वहाँ पर फरियादी कमलाबाई जो 60 वर्षीय महिला है वो आई और उन्होंने 2,00,000 की चोरी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई थी। इस एफआईआर के बाद से थाना पदम नगर की टीम तत्परता से इस पर काम कर रही थी और सभी जगह मुखबिर तंत्र हमने सक्रिय किया था और कुछ सीसीटीवी फुटेज पे भी हम लोग वर्क कर रहे थे, जिस पे हमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, महेश उर्फ बाबू यादव है, 45 वर्षीय उसकी उम्र है और उसको हमने उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। ये 2,00,000 की राशि थी तो करीब हमने अभी उससे 1,40,000 रुपये बरामद कर लिए। उसमें से उसने एक मोबाइल भी खरीद लिया था और अभी उसका और एक दिन का पीआर लिया गया है, अन्य उसमें पूछताछ की जाएगी। पूर्व में भी इस पे अपराध नहीं? नहीं, इसके अन्य कोई अपराध तो नहीं है, इसकी ये पहली वारदात थी। कारण क्या बताया था चोरी का? चोरी का इसको बस वो अकेली महिला को देखा, 60 वर्षीय महिला को, तो उसने घर सूने घर में ताला तोड़ा था।